दोस्तों वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एक अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी और एक बहुत हंसाने वाली बात सामने आई है। एथर इलेक्ट्रिक का एक स्कूटर है, उसको फाइन किया गया है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास, इसलिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। एथर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसके ऊपर उनको कोई ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को PUC सर्टिफिकेट कराने की, लेकिन केरला के एक डिपार्टमेंट ने, केरला पुलिस ने चलान दिया है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए उसको 250 रुपये का चलान कर दिया है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये चीज़ें इंडिया में ही हो सकती हैं वैसे, क्योंकि इंडिया का जो पुलिस है उसको बहुत ही एक जिसे कहें रोचक चीज़ें करने के लिए जाना जाता है, और ये पहली बार नहीं है कि लॉजिकल चालान्स दिए गए हों पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। बहुत सारे चालान जो हैं वो पीछे जब आया था कि मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ज़्यादा चालान बढ़ा दिया गया, तो बहुत सारे इलॉजिकल चालान्स भी थे जिसके अंदर गाड़ी की कीमत से 10 गुना ज़्यादा का चालान था, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ थे। और लेकिन ये एक बड़ा ही हंसाने वाला जो है इंसिडेंट सामने आया है, जिसके अंदर सारे ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो जो इलेक्ट्रिक टोटली इलेक्ट्रिक हैं उनको PUC एग्जेम्प्टेड होता है, और क्योंकि उनका कोई एमिशन ही नहीं होता तो PUC कहाँ से होगा, तो उसके चक्कर में ये दिया गया है। ये एक एथर एनर्जी का प्रोडक्ट है जो कि जिसके अंदर कोई IC इंजन नहीं है, कोई हाइड्रोकार्बन कंबस नहीं होते, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई टेल पाइप एमिशन नहीं होता, कोई गैस नहीं निकलती, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई नाइट्रस ऑक्साइड नहीं निकलती, और कार्बन भी जो है वो निकलता नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए इसको PUC सर्टिफिकेट का जो है इसके ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन जो कि पोल्यूशन अंडर चेक का जो सर्टिफिकेट है वो IC इंजन्स के ऊपर लागू होता है, और जो है जिनका जो है कुछ मात्रा में अगर आपका एमिशन जो है कुछ लिमिटेड मात्रा में नहीं है तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एथर 450X है, एक ओनर है केरला के, उनका नाम नहीं मिलूँगा, लेकिन उनके ऊपर 250 रुपये का चालान किया गया है, कि ये बोला गया है कि आपको PUC सर्टिफिकेट मांगा गया था और आपने PUC सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसके ऊपर जो एथर के CEO हैं उन्होंने बहुत ही एक टैग किया है ट्विटर के ऊपर, रोहित खरे जो हैं, उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई आया है जो कि एक यूज़र हैं, कि ऐसे इंसिडेंट जो हैं उनके साथ भी एक साल पहले हुआ था जब एथर इतना पॉपुलर नहीं था मुंबई में, और उनको बोला गया था कि तुम दिखाओ तुम्हारे पास PUC नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में यहाँ तक हुआ कि उनको ये भी दिखाना पड़ा कि इस गाड़ी में टेल पाइप ही नहीं है, और तो मैं जो है इसका PUC कैसे दिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद पुलिस ने उनको छोड़ा था। तो जो एथर के CEO हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एक जिसे कह सकते हैं तरुण मेहता, उन्होंने भी इसके ऊपर एक जिसे कह सकते हैं एक व्यंग या एक टंच कसा है कि हे भगवान उफ, ये हालत है हमारे देश के पुलिस की, जिसके अंदर उनको नॉलेज नहीं है कि ग्रीन जो बोर्ड्स की गाड़ियां हैं दे आर फुली इलेक्ट्रिक, एंड उसके बाद जो है ऐसी हिलेरियस बातें जो है पुलिस कई बार करती रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर हेलमेट ना करने के ऊपर एक जिसे कह सकते हैं कार ड्राइवर के ऊपर फाइन किया गया था कि वो हेलमेट नहीं पहन रहा था, ये भी एक बहुत रोचनाकृत खबर आई थी। इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले पुलिस ने एक बंदे के ऊपर फाइन किया था कि उसके पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं है मोटरसाइकिल में, ऐसी बहुत सारी आती रहती हैं चीज़ें। तो ये है हमारा देश जिसको जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, और ऐसे पुलिसमैन पर भी हमें गर्व होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि जो है क्या रूल्स आते हैं रूल्स नहीं हैं, हो सकता है पुलिसमैन अभी तक उतना अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी पुलिसमैन हैं दे शुड अबाइड बाय द रूल्स, एंड ताकि जनता को परेशानी ना हो, और स्पेसिफिकली ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पे चालान बनता नहीं है वहाँ पे तो शायद चालान होना नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं सबसे ये भी अर्ज करूँगा कि अपने PUC सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास IC इंजन है तो ज़रूर रखें, दूसरे इंश्योरेंस और ज़रूर करवाएं, और प्लीज़ हेलमेट पहने और सीट बेल्ट पहने ताकि जान बच सके। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एक इंसिडेंट के बारे में जिसे थोड़ी हंसी आनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।